पीतांबर सोहे गल वैजंती माला मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला बिंद रावण मां धेनु चरावे बिंद रावण मां धेनु चरावे मोहन मुरली होती है भक्ति, विकीर्ण होते हैं भक्ति के परमाणु। ऐसे ही भक्त की ये जो भावनाएं हैं, भक्तों की ये जो वाणियां हैं, इन शब्दों में देयर इज अ डिवाइन एनर्जी। अभी मैं उस दिन कहीं एक लेख पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक वैज्ञानिक ने अपना अनुभव लिखा कि आई स्टार्ट माय डे with listening the mantras of Rig Veda. I don't understand. वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं समझता नहीं कि ये क्या कहा जा रहा है, लेकिन वो जो ध्वनि तरंगे हैं वो एक बड़ी सात्विकता और पवित्रता का संचार करती हैं। I receive a positivity in abundance while listening to these chants, these mantras. क्योंकि शब्द में अपनी एक ऊर्जा होती है। आपको कोई गाली देता है, आपके मन में एक क्षोभ होता है ना, क्रोध उत्पन्न होता है, शब्द का परिणाम है। अब हम यहां पर बैठे चर्चा कर रहे हैं, एक बालक रोने लगे, शब्द ही तो है, लेकिन आपकी मेरी चर्चा में विक्षेप हो जाएगा। दैट मियर साउंड वुड टेक ऑल ऑफ अस अवे फ्रॉम दिस कंफर्ट जोन। आप हम दूर हो जाएंगे चर्चा की इस सहजता से। कभी थोड़ा विचार करें तो आप पाएंगे कि एक साधारण से व्यक्ति के शब्द में इतनी सामर्थ है कि वो आपको यहां से वहां कर सकता है, फिर भक्त के शब्द में कितनी सामर्थ होगी, वो आपको यहां से वहां कैसे नहीं करेगा, ले जाएगा वो आपको यहां से वहां तक। मीरा के शब्दों में सामर्थ है, वो आपको यहां से उठाकर ले जा सकती है कृष्ण के निकट। साउंड एनर्जी, शब्द की ऊर्जा, शब्द का बल। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसी प्रकार गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए भगवान का नाम, ये शब्द, ये भाव, ये भावना, ये चिंतन।
इनसे भी एक एक भाव ऊर्जा विकीर्ण होती है जो जो आपके उर अंतर में पुनर्स्थापित कर देगी वो भाव की शुद्धता। व्यास जी को समझ में आ गया कि भक्ति बिन विश्वास भक्ति नहीं, और तेही बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन सुपने हूं जीव न ले विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, और भक्त के बिना भगवान का विश्वास कोई दिला नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ पंथ और यहां तक कि मंदिर की मूरत भी प्रतीक है, भक्त प्रमाण है, भक्त प्रमाणित करता है भगवान को। व्यास जी दौड़कर गए, महाप्रभु ने नवलदास जी से कहा, बोले देखो जाओ क्या करते हैं। व्यास जी दौड़ कर गए और वो जो 5 बैलगाड़ी पोथी की लाए थे वो उठा उठाकर और जमुना जी में डालने लगे। तो नवलदास जी ने कहा, व्यास जी ये क्या करते हैं, पोथी किसी और के काम आ जाएगी। तो व्यास जी ने कहा, भैया जीवन भर हमारो ही काम बिगाड़े हो पोथी ने, अब और काऊ के काम आवेगी। तो व्यास जी ने सब पोथी बहाई जमुना जी में और गाया, श्याम निबेड़ो सबसों झगड़ो। महाप्रभु के शरणागत हो गए, महाप्रभु ने वरद हस्त पधरा दिया, मंत्र दे दिया, उपासना की पद्धति दे दी। श्री व्यास जी अपने ठाकुर श्री राधा जुगल किशोर जी की सेवा करने लगे, लेकिन महाप्रभु ने व्यास जी को मंत्र क्या दिया था? कल भी मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जैसा मंत्र नहीं हो सकता, एक जैसी विधि नहीं हो सकती, एक जैसी पद्धति नहीं हो सकती, और गुरु वही है जो जो शरण में आए व्यक्ति की योग्यता के अनुकूल अनुरूप, पात्रता के अनुकूल अनुरूप उसको मार्ग प्रदान कर सके। अभी तो आज क्या होता है, माइक में बैठ गए गुरु महाराज और 5-7-10 मंत्र बोल दिए, बोले जो अच्छा लगे सो कर लो। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है गुरु दीक्षा, जिसके बाद साधक का एक पुनर्जन्म होता है, एक साधक का जन्म होता है दीक्षा के बाद। मन और बुद्धि की कल्पना से परे, विज्ञान की पहुंच से दूर यह घटना है कि दीक्षा के साथ जब जब मंत्र आपके भीतर जाता है तो वो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीनों प्रकार के परिवर्तन आपके भीतर करता है, तभी वो दीक्षा है। और दीक्षा प्रदान करने के लिए गुरु के पास मंत्र की ऊर्जा की जागृति होना आवश्यक है। यदि यदि मैंने उस मंत्र को जप कर उस मंत्र के देवता को प्रकट नहीं किया है तो मुझे आपको प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं, और अगर मैं कर भी दूं तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। मेरे पास कितने साधक लोग आते हैं, कितने समय से जप कर रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, कैसे लाभ हो? आप अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की संपत्ति को मैं कागज पर लिखकर आपके नाम कर दूं तो क्या हो जाएगी? आप भले गलत फहमी पाले रही है पूरा जीवन भर। तो महाप्रभु ने मंत्र क्या प्रदान किया था कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत पर्याप्त होता है। व्यास जी ने उसी दिन से कहा कि आज से मेरा इष्ट न तो राम न कृष्ण, राम और कृष्ण के भक्त ही मेरे इष्ट होंगे। और भक्तमालकार ने तो व्यास जी का परिचय ही यही कहकर दिया कि भक्त इष्ट अति व्यास के। सदगुरु के चरणों की साक्षी में व्यास जी ने जीवन व्रत धारण कर लिया कि भगवान के भक्त ही मेरे सेव्य होंगे। और व्यास जी ने जीवन में कर दिखाया, तन मन प्राण से व्यास जी संत सेवा करने लगे। एक बार एक संत व्यास जी की संत सेवा की परीक्षा लेने के लिए आए, मध्याह्न का समय था, व्यास जी के ठाकुर श्री जुगल किशोर जी के लिए राजभोग बन रहा था। संत आए और बोले हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, भोजन कराइए। तो व्यास जी ने विनम्र निवेदन किया, बोले महाराज श्री ठाकुर जी को भोग लगने ही वाला है, यदि आप कुछ देर प्रतीक्षा करें तो आपको प्रसाद मिल जाए। संत थोड़ा खींच कर बोले, अरे भूख के मारे हमारे प्राण जा रहे हैं और आप हमें प्रतीक्षा करने को कहते हैं। व्यास जी ने सेवकों से कहा, जो थाल श्री ठाकुर जी के लिए जा रहा है वो थाल आप इन्हें दे दीजिए। बोले मेरे जुगल किशोर तो बड़े धीरज वाले हैं, वो तो प्रतीक्षा कर लेंगे, पर संत भगवान को बड़ी भूख लगी। संत तो आए ही परीक्षा लेने के लिए थे, 2 कौर उस थाल में से खाया और ये क्या भोजन बना है, ऐसा कहकर थाल व्यास जी के मुख पर दे मारा। जो सेवक थे उनको बड़ा क्रोध आया, पर व्यास जी धीर गंभीर
और भक्त का प्रथम लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तरुसम सहनशीलता होए, भक्ति धैर्यवान व्यक्ति का कार्य है। और उसमें भी मैं तो प्राय करके कहा करता हूं कि भगवान की सेवा सरल है, साधु की सेवा करना बहुत कठिन कार्य है। भगवान की सेवा में तो क्या है, आप मैंने देखा संडे को 10 बजे स्नान हो रहा है, बोले आज छुट्टी है, ठाकुर जी का भी संडे है, माने वहां तो आप मनमानी चाल से चल सकते हो ना, वहां पर तो अनुकूलता है। एक बार मैं किसी के यहाँ पर गया, जैसे 11 बजे का समय होगा, तो वो माता जी बोली महाराज आप 5 मिनट बैठो, मैं ठाकुर जी को स्नान कराया हूँ। तो मैंने कहा कराया हो? तो मैंने कहा चलो हम भी संग ही चलते हैं, ठाकुर जी की सेवा होती रहेगी, हम भी बैठे रहेंगे। तो मैं गया, वो गोपाल जी को उठाए और वॉश बेसिन में ले जाकर ऊपर से टैप चलाए। तो मेरे गोपाल जी तो बड़े सीधे हैं, ऐसे ही मान जाते हैं। तो क्या है ना, भगवान की सेवा में तो बड़ी अनुकूलता है, वो तो कोई तुलसी दल निवेदन करे तो भी मुस्कुराता है, और 56 भोग निवेदन करे तो भी मुस्कुराता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी देवे भगवान स्वीकार करते हैं। पर संत की सेवा में सावधान रहना पड़ता है, संत की सेवा में पग पग पे पल पल आपके सूक्ष्म अभिमान को ठेस लगती है। और आई एम वेरी असर्टिव अबाउट इट, और मेरे जैसा हो तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो डांट डपट के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। तो संत की सेवा साधु की सेवा कठिन काम है बाप। तो दे मारा व्यास जी को थाल, और क्या उत्तर देते हैं व्यास जी, चरण पकड़ लिए संत के, बोले महाराज प्रथम तो आपने पधार कर मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। प्रत्येक लेने वाला संसार में लेता ही नहीं है, बहुत लोग संसार में ऐसे भी हैं जो आपसे लेकर भी आपको देते हैं, अवसर देते हैं आपको। एक संत जब आपसे लेता है तो वो आपसे लेता नहीं, वो वस्तुतः आपको सेवा करने का अवसर देता है। व्यास जी ने कहा महाराज बड़ी कृपा की आपने पधार कर, एक तो आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, और जब आप प्रसाद पाए तो पता नहीं मैं ये प्रसाद पाता या नहीं पाता, आपने कृपा करके अपनी सीत प्रसादी और मेरे मुख में प्रदान कर दी। आप तो बड़े कृपालु दयालु मुझ पर कृपा करने के लिए ही आए थे, व्यास जी कहते जा रहे थे और संत की आंखों से अश्रु छलकते जा रहे थे। संत ने चरण पकड़ लिए व्यास जी के, महाराज मैं तो आपके संत सेवा की परीक्षा करने के लिए ही आया था, पर मैंने आपके विषय में जैसा सुना उससे कहीं अधिक आपको पाया है, क्योंकि साधु की सेवा सरल कार्य नहीं है, पर आपके ठाकुर श्री जुगल किशोर की आप पर अतिशय कृपा है, ये कृपा का अतिरेक है कि आपको संत सेवा सिद्ध हुई है। और नानक तो कहते हैं कि भगवान की कृपा का भी यदि कोई परम फल है तो वो यही है, कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया, नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा। इस प्रकार आजीवन व्यास जी ने संतों को लाड़ लड़ाया। और एक होती है फूल की खुशबू जो किसी को भी उपलब्ध हो सकती है, और मुझे ऐसे लगता है कि प्रेम रूपी पुष्प की जो खुशबू है वो भगवान की सेवा है, और एक होता है उस पुष्प का और उस पुष्प की सुवास का बना हुआ इत्र, जिससे एक प्रकार से आप खुशबू को बांध कर अपने पास में रख लेते हैं कि जब चाहे तब उस खुशबू का प्रयोग करिए। तो भगवान की सेवा तो प्रेम रूपी पुष्प का की सुवास है, और संत की सेवा वो इत्र है कि जब चाहे लगाएं और बांध कर, मान लो रख लिया आपने भगवान और भगवान की कृपा को, जब चाहे प्रयोग करिए और प्रभु को अपने सन्मुख पाइए। ये साधु सेवा का फल है।
इसीलिए व्यास जी ने कहा, व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना बड़े हरि के। तो जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि संत सेवा के प्रसाद से व्यास जी की निष्ठा गरिष्ठ होती चली गई, वृंदावन धाम को प्राणों के समान व्यास जी जानते थे, लेकिन जहां से आए थे ओरछा, और ओरछा नरेश राजा मधुकर शाह, वो भी अनन्य कृष्ण भक्त और राजा की गुरु चरणों में अनन्य निष्ठा। अब जब बहुत दिन हुए श्री व्यास जी को वृंदावन आए, तो राजा मधुकर शाह का भी गुरुदेव के बिना मन नहीं लगे, सत्संग के बिना मन नहीं रुचे। तो ओरछा नरेश ने 100 ब्राह्मणों को भेजा। पहले तो पत्र लिखकर भेजते रहे, व्यास जी ने कहा आएंगे आएंगे, पर व्यास जी का मन रम गया वृंदावन में। फिर ओरछा नरेश ने 100 ब्राह्मणों को भेजा कि लिए बिना वापस मत पधारिएगा, ले पधारिएगा गुरुदेव को संग। अब जब 100 ब्राह्मण पहुंचे, तो व्यास जी ने आजकल आजकल करते 6 महीना निकाल दिए कि आज फूल डोल उत्सव है, आज झूला उत्सव है, अब शरद आ गई, अब बसंत आ गया। ऐसा करते करते व्यास जी ने 6 महीना निकाल दिए। अब व्यास जी का तो मन लगा है, अब वो ब्राह्मण तो बेचारे अब अपने कार्य का निर्वाह करने के लिए आए, उनको अपने घर परिवार की स्मृति होने लगी। तो एक दिन ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, यदि आज संध्या आप नहीं चलते, तो हम सब श्री यमुना जी में कूद के अपना प्राणांत कर देंगे, क्योंकि हमको ओरछा नरेश की आज्ञा है कि व्यास जी को लिए बिना वापस मत लौटिएगा। अब व्यास जी ने कहा, तो बड़ा झंझट हुआ, क्या किया जाए। खैर, व्यास जी ने अपने मन में विचार किया और कहा कि चलो ठीक है, राधा वल्लभ लाल का दर्शन करके और फिर चलते हैं। दोपहर का समय था, मंदिर में पहुंचे और एक मेहतरानी प्रसाद की डलिया लेकर बाहर आ रही थी, 100 ब्राह्मण पीछे पीछे, 6 महीने से पीछे लगे, चलिए चलिए। तो व्यास जी ने कहा कि अरे आरती हो गई। बोली, महाराज आज तो आपको आए हुए में बड़ी आवार है गई, आरती हूं है गई और प्रसाद हूं बट गयो। तो व्यास जी ने कहा प्रसाद हूं बट गयो। व्यास जी ने उसी मेहतरानी के हाथ में प्रसाद की डलिया थी, कड़ी का एक दौना एक पकौड़ी उठाई और अपने मुख में डाल ली। अब वो जो पीछे ब्राह्मण थे, जो केवल कर्म से ब्राह्मण थे, वो व्यास जी की इस क्रिया को देखकर और थू-थू करने लगे। बोले, ये क्या ब्राह्मण है, ये क्या राजगुरु कहलाने योग्य है कि एक उस हरिजन महिला की डलिया में से प्रसाद की पकौड़ी उठाई और खा ली। वो बेचारे क्या जाने प्रसाद की महिमा क्या है। तो व्यास जी ने जैसे ही मुख में पकौड़ी डाली, ब्राह्मणों ने वहीं व्यास जी को छोड़ा, बोले चलो ओरछा नरेश को समझा देंगे कि वो ब्राह्मण कहलाने योग्य ही नहीं रहे, राजगुरु क्या रहेंगे। और वहीं के वहीं मंदिर के द्वार पर 100 ब्राह्मण व्यास जी को छोड़ा और ओरछा लौट गए। और व्यास जी मंदिर में क्या कहकर नाचने लगे, एक पकौड़ी सब जगह छूट्यो। बोले 6 महीना से छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, पिंड नहीं छूटा, और मेरे राधा वल्लभ लाल के प्रसाद की महिमा देखिए, एक पकौड़ी सब जग छूट्यो। धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन, पाए सब मिट्टी है विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन, सब सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन, सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। जो वस्तु प्रभु को निवेदन हुई और प्रभु ने स्वीकार कर ली, वो तो भगवत स्वरूप हुई। प्रसाद त्रिभुवन को पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है, पर केवल कोरा कर्म कांडी व्यक्ति बिना गुरु कृपा के कैसे वस्तु की अनुभूति करे, कैसे सत्य की अनुभूति करे। वृंदावन वास व्यास जी करते रहे। एक समय रासलीला का अनुकरण हो रहा था,
प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे थे, श्री प्रिया जी ने नृत्य की ऐसी गति ली कि उनके चरणों में बंधा नूपुर खुला और बिखर गया। व्यास जी ने तत्काल क्या किया, अपना जनेऊ तोड़ा, वो नूपुर पुनः पोकर और श्री प्रिया जी के चरणों में बांध दिया कि जिससे रास लीला में कोई विक्षेप उपस्थित ना हो जाए। जो संघ समाज बैठा था उन्होंने कहा, व्यास जी आपने अपना जनेऊ तोड़ दिया, यज्ञोपवीत तोड़ दिया। एक ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व उसका यज्ञोपवीत होता है, वो संस्कार का प्रतीक है। तो व्यास जी ने रासलीला अनुकरण के पश्चात कहा कि आपको लगा कि मैंने यज्ञोपवीत तोड़ दिया, मैंने अपना अपना ब्राह्मणत्व खंडित कर दिया, पर मेरे विचार से तो आज मेरा ब्राह्मणत्व श्री किशोरी जी के चरणों का संसर्ग पाके कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। मैंने जन्म भर ये बोझ ढोया और आज श्री किशोरी जी ने करुणामयी ने उस बोझ को भी अपने श्री चरणों का आश्रय देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। जीवन में जो भी कुछ है, साधन सिद्धि राम पगने, तुलसी बाबा कहते हैं कि नीत निपुण सोई परम सुजाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजे रघुवीरा। जीवन में जो कुछ साधन है भगवत चरणों का विश्राम पाने के लिए ही है, और यही भक्त की महिमा है कि वो अपने आचरण से सत्य की अनुभूति कराता है, वो अपने व्यवहार से उस वस्तु स्थिति को प्रत्यक्ष कर दिखाता है। तो इस प्रकार हितरिवंश महाप्रभु की कृपा से व्यास जी ने अखंड श्री वृंदावन का वास किया। व्यास जी की वाणी अद्भुत वाणी है, एक एक पद में विशुद्ध भक्ति उत्तमा भक्ति छलक छलक पड़ती है, रसिक जन उसका आस्वादन करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। परम भक्ता, माता कुंती श्रीमद् भागवत में भगवान की स्तुति करते हुए निवेदन करती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः त एव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कि हे मुकुंद, हे केशव, हे भक्तजन जीवन सर्वस्व, आपने अपना समस्त ऐश्वर्य एवं अपना समस्त माधुर्य अपने नाम एवं अपनी लीला कथा में भर दिया है। जो जन आश्रय लेते हैं इस भगवत गुणानुवाद का, ये जो श्रवण की और कीर्तन की परंपरा है, शांडिल्य भक्ति सूत्र देते हैं कि बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत्। जैसे धान को कूटा जाता है तब तक जब तक भूस एक ओर नहीं हो जाए, अन्न का दाना एक ओर नहीं हो जाए। कल मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि संसार का संसर्ग करते करते घुल मिल गया है सत्य और असत्य, जगत और जगन्नाथ, माया और मायापति, ये कहीं भीतर घुलमिल से गए हैं। अब या तो क्षीर नीर का सा विवेक होवे, जो बिना दीर्घ काल के सत्संग के संभव नहीं। और इस विषय में तो सब सयाने एक मत हैं ही कि धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए।
भक्ति सूत्र कहता है महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। तो सत्संग सुलभ नहीं है, किसी भी महफिल को, मैं शायद ठीक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, किसी भी महफिल को सत्संग कह देना उचित नहीं है। आपने भोजन किया और भूख नहीं मिटी तो कैसा भोजन था? आप साधु संग में बैठे और मन की दुविधा, मन का द्वंद दूर नहीं हुआ तो वो साधु संग नहीं, कुछ और रहा होगा, पर सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग का तो एक सीधा सा एक परिणाम जीवन में आता है, समथिंग वेरी एविडेंट, जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा, आपके अनुभव में आएगा कि धीरे धीरे संसार की विषयाशक्ति कम होगी, धीरे धीरे भगवान मधुर लगने लगेंगे, धीरे धीरे भगवान मीठे लगने लगेंगे, धीरे धीरे श्रवण में, स्मरण में आपकी रुचि बढ़ेगी, लीला कथा मधुर लगने लगेगी, तभी सत्संग है। एक एक वक्तव्य का उद्देश्य लोक रंजन होता है, एक वक्तव्य का उद्देश्य लोक संग्रह होता है, पर जब संत भगवान की कथा कहता है तो उसका उद्देश्य लोक मंगल होता है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। और अपने आप में ये इतनी इतनी प्रबल औषधि है, अपने आप में ये इतना सुदृढ़ उपाय है कि जब जब कोई भूला भटका है अध्यात्म के पथ पर चलता हुआ, देखो जब चलोगे आप में से स्मरण करिए, कौन ऐसा है जो बिना गिरे चलना सीखा हो, जिसने बिना ठोकर खाए दौड़ना सीख लिया हो? ऐसा संभव नहीं है। गिरता, उठता, संभलता, फिर गिरता और फिर संभलता, इसी प्रकार व्यक्ति निपुण होता है। तो जब आप पथ पर चलेंगे तो फिर भूल भी होगी और भ्रम भी होगा और कभी कभी पथ से भटक जाने की प्रतीति भी होगी, सब होगा। और ऐसा हुआ ही है साधकों के साथ ही नहीं, सिद्धों के साथ भी हुआ है। जब गरुड़ नागपाश से मुक्त करते हैं श्री रघुनाथ जी को और श्री लखनलाल जी को, उनको मोह होता है कि क्या ये भगवान है। ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, अभी कुछ घड़ियां पहले जो अघासुर के वध पर भगवान की स्तुति करके गए, वो कुछ काल के बाद ही जब कन्हैया को गोप बालकों के मध्य भोजन करते देखते हैं तो भगवान की लीला देखकर ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। तो भूलना भटकना ये जीव का स्वभाव है, बहुत स्वाभाविक सी बात है, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूमन। आप भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, पर समाधान भी है। और जब जब कोई भूला है, जब जब कोई भटका है, तो फिर भगवान की कथा ने उसको सन्मार्ग दिया है, सतपथ दिया है, फिर उसने भगवान की स्तुति की है और फिर उर अंतर का, मन का मोह अंधकार दूर हुआ है। तो ये अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ साधन है यदि युक्ति युक्त होकर किया जाए तो। और निवेदन में ये कर रहा था कि ये जो श्रवण और कीर्तन की जो विधा है, इससे एक प्रकार का रसायन उत्पन्न होता है, ये एक प्रकार का मंथन है। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि आपके भीतर अंधकार भी है और आप ही के भीतर कहीं उस परम सत्य के प्रकाश की संभावना भी तो है। जो मनुष्य है वो सीधे शब्दों में, उसके पास में मनुष्य का शरीर ही नहीं है, उसके पास भगवान से मिलने की एक संभावना है। अनंत अनंत संभावनाओं का नाम जीवन है और उन सब संभावनाओं में से एक संभावना भगवत मिलन की भी है। उनमें से एक संभावना सदा सदा के लिए ये जन्म और मृत्यु के द्वंद से छूट जाने की भी है, उसमें से एक संभावना। और यदि आप वेदांत दर्शन को देखें, सुने, तो वो तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम मनोबुद्धिरंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिव्वे न च घ्राण नेत्रे न भू